हेलो एवरीवन, मैं प्री चौधरी मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का रिव्यू ड्राई स्किन के बारे में है। हमारी स्किन ड्राई किस वजह से हो जाती है, ड्राई स्किन होने पे हमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और फिर जब ड्राई स्किन हो जाती है तो क्या होम रेमेडीज करके हम इसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये जो ड्राई स्किन होती है हमें जेनेटिक मिल जाती है, क्योंकि कई बार ये पूरी फैमिली को इसकी प्रॉब्लम होती है, और कई बार किसी को किडनी की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, उसको भी ज़्यादा खतरा ड्राई स्किन होने का रहता है। किसी को जब ड्राई स्किन हो जाती है तो फिर हमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, हमारा जो फेस होता है वो बिल्कुल फटने लगता है, उसमें कई बार पेन होने लगता है। जब हम मेकअप वगैरह करते हैं तो बिल्कुल फटा फटा अजीब सा लगता है। जिसकी ड्राई स्किन होती है उसके जल्दी से रिंकल्स आ जाते हैं, जो फाइन लाइंस होती हैं वो आ जाती हैं। आपकी एज जितनी होती है उससे ज़्यादा बड़ी दिखाई देने लगती है, आपका फेस एकदम से ख़राब हो जाता है। तो आप कोई होम रेमेडीज करके कैसे ठीक कर सकते हैं, आपको करना क्या है, आपको एक कॉफ़ी पाउडर लेना है और एक साथ में नींबू ले लेना है, और शुगर लेनी है उसको पीस लेना है। इन तीनों को आपस में मिला के आपको पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन करके इस फेस पैक को लगा लेना है, और फिर 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। आप 3 या 4 डेज में इस फेस पैक को लगा सकते हैं। ये लगाते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी स्किन ड्राई से बिल्कुल नॉर्मल स्किन में आ जाएगी, और आपका चेहरा बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, आपके चेहरे पे बिल्कुल ग्लो आ जाएगा, और आपका जो फिर उसके बाद मेकअप भी करोगे तो वो भी अच्छा लगेगा, और विदाउट मेकअप भी आपका चेहरा बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।